मौसम विभाग नूं लै के वड्डी खबर तुहाडे नाल सांझी कर रहे हां। दस दिए कि तेज हवावां अते धुप्प दे विचकार मौसम दे विच लगातार बदलाव देखण नूं मिल रहा है। तां भारतीय मौसम विभाग ने एक बार फिर आने वाले दिनों की भविष्यवाणी की है, जबकि तेज हवावां चलण की संभावना भी जताई गई है। दरअसल गर्मी आने वाले दिनों दे विच बहुत ज्यादा पवेगी। तुहानूं दस दिए कि भारतीय मौसम विभाग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के राही जिहड़ी कि सारी जानकारी सांझी की है। तो IMD का कहना है कि अप्रैल जून के 10 से 20 दिन तक गर्मी की लहर रहने की संभावना है। तो एन नीलो की स्थिति मई तक बनी रहेगी, यानी कि आने वाले दिनों दे विच बहुत ज़्यादा गर्मी पवेगी। तो दस दिए कि अप्रैल 2024 के महीने के लिए देश के ज़्यादातर हिस्सों के वध तो वध तापमान जिहड़ा कि आम दे नालो वध रहने की संभावना है। हालांकि पूर्वी उत्तरी पूर्वी अते उत्तरी पछमी भारत दे विच वख-वख थावां दे उत्ते वध तो वध तापमान जिहड़ा कि आम जा आम तो घट रहने की संभावना है। तो उत्थे ही पछमी हिमालिया खेतर उत्तरी पूर्वी राज्यों अते उत्तरी ओडिशा के कुछ हिस्सों के विच वध तो वध तापमान जिहड़ा कि आम जा आम दे नालो घट रहने की संभावना है। तो अप्रैल जून की म्याद के दौरान मैदानी खेतर के ज़्यादातर हिस्सों के विच आम स्थितियां दे नालों वध गर्म रहने की संभावना है। तो दस दिए कि मौसम नूं लैके थोड़े नाल वड्डी खबर जिहड़ी कि सांझी कर रहे हैं। दस दिए कि आने वाले दिनों दे विच गर्मी जिहड़ी कि बहुत ज़्यादा पवेगी, लू दे जिहड़े कि रिकॉर्ड है वह सारे टुट जाएंगे। दस दिए कि अप्रैल जून की म्याद के दौरान 4 से 8 दिन के आम गर्मी के दिन के जिहड़े कि मुकाबले है गर्मी की लहर जिहड़ी कि 10 से 20 दिन तक रहने की संभावना है। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तरी छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश दे विच गर्मी की लहर जिहड़ी कि सब तो वध प्रभाव जिहड़ी कि पैण वाला है, संभावना जताई जा रही है मौसम विभाग के वालों। तो वड्डी खबर थोड़े नाल सांझी कर रहे हैं। दस दिए कि आने वाले दिनों दे विच मौसम जिहड़ा कि होर ज़्यादा गर्म होने वाला है, बहुत ज़्यादा गर्मी पवेगी आने वाले दिनों दे विच। तां इस साल देश दे विच अप्रैल दे अंत तो प्रतिकूल मौसम होने की जिहड़ी कि संभावना है। इत्तफाक दे नाल इस दौरान लोक सभा चोणां भी हो रही ने। तो सोमवार को यह जानकारी देंदे हुए तुहानूं दस दिए कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जा रहा है कि अगले 2.5 महीनों तक प्रतिकूल मौसम का जिहड़ी कि सामना करना पै सकता है, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी का लोगों को सामना करना पै सकता है। दस दिए कि पानी की जिहड़ी कि इस दे विच मात्रा दसी जा रही है, पानी वध तो वध पीओ क्योंकि गर्मी के कारण बीमारियां भी हो जांदियां ने। तो पानी का खास करके ध्यान रखियो। दस दिए कि इस समय दौरान आम चोणां भी हो रही ने, जिस दे विच लगभग 1 अरब लोगों के वोट पाउण की उम्मीद है। तो इस दे नाल ही तुहानूं दस दिए कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेज़ गर्मी की भविष्यवाणी के विचकार चोणां के मद्देनज़र हिस्सेदारां दे नाल एक लाभकारी मीटिंग भी की गई है। उन्होंने कहा है कि राज सरकारां समेत सारे हिस्सेदारां ने व्यापक तैयारियां कर लिया ने। तो यह साढ़े सारियां दे लई बहुत चुनौतीपूर्वक होण जा रहा है, क्योंकि असी दुनिया का सब तो वध आबादी वाला देश हाँ अते सानू उल्ट मौसम का सामना करना पै सकता है। इस दे लई पहला तो ही तैयारी करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो गर्मी के ध्यान के मद्देनज़र थोड़े नाल एक खबर सांझी कर रहे हैं कि आने वाले दिनों दे विच बहुत ज़्यादा गर्मी पवेगी, लू दे सारे रिकॉर्ड टुट जाएंगे। आने वाले अगले हफ्ते दे विच ही गर्मी का जिहड़ा कि तुहानूं सारयां नूं सामना करना पै सकता है। तो पानी की मात्रा जिहड़ी कि वध तो वध रखियो, पानी लगातार पींदे रहो, क्योंकि गर्मी जिहड़ी कि इस बार आने वाली है जो कि बहुत ज़्यादा लू जिहड़े कि लू दे सारे रिकॉर्ड टुट जाएंगे, क्योंकि मौसम विभाग के वालों ये भविष्यवाणी जिहड़ी कि सांझी की गई है। तुहाडे नाल भी सांझी कर रहे हैं कि आने वाले दिनों दे विच अप्रैल मई जून दे विच बहुत ज़्यादा गर्मी जिहड़ी कि पैण वाली है। तापमान जिहड़ा कि 5 डिग्री तक दस्या जा रहा है। तो मौसम विभाग के वालों ये जानकारी सांझी की गई है।